जो कह रहे इन्हें कि सीधी बिजाई दे जी मशीना ने वो जिले के एक आ जेकर एक पिंड भी एक होगी तो वह भी करता इन छेती कि उस चीज को कवरअप देखो ताई मैं गल कही सी भी पंजाब नू खालिस्तान दी नहीं पंजाब नू किसानी बचाउण दी लोड़ और मान साहब ने कल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया आ जिथे जिहड़े सिद्धी बिजाई करनगे एक ते पानी दी बचत होगी पानी बचाउण दी भी लोड़ आ बहुत वड्डा खतरा साडे ते आउण वाले टाइम पानी दी बचत होगी उत्थे नाल नाल पूरी लागत जिहड़ी झोने दी मैं तो खुद खेती करदा हां पूरी लागत ते फर्क पैंदा है सस्ता पैंदा है झाड़ भी अच्छा निकलदा है और उहदे रिजल्ट आए सरकार ने कोशिश की 1500 रुपए जिहड़ा एकड़ पर एकड़ जिहड़ा देने का वादा किया ताकि वध तो वध लोग इस चीज न इनकरेज हो दूजा पानी भी बचे खाद बीज भी बचे तीसरा सब तो जरूरी गल है भी आने वाले टाइम च असी खेती नू लाहेबंद कितना बनाना हां इहदे च होर जिहड़े सुधार करन दी लोड़ होगी मान साहब दी सरकार कह रहे हैं कि सोसाइटियां बनी हुई सरकार मुआवजे भेज दो बड़े लोग लेने पहली गल दूसरी गल जो पेस्टिसाइड आ प्रॉपर काम नहीं कर रहे ताजा उदाहरण गुली डंडा मिले इस बात की नकेल पाने की जरूरत है सीधी कंपनियां डीलिंग होंगी है जिन्हें भी डॉक्टर पीयू के अफसर ने वह सीधा करते हैं हर एक चीज की इतने अब प्रोक्सी चल रही है सब जल्द ही चल रही देखो खेती नू पूरी तरह ओवरहॉल कर ली मान साहब की सरकार ने एक एक्सपर्टिस की टीम भी बना ली है आने वाले टाइम च एक पॉलिसी जी एग्रीकल्चर प्रो एग्रीकल्चर बन जा रही है ताकि एक तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नू बचा के पंजाब दी एग्रीकल्चर नू बचाना है उहदे च पेस्टिसाइड भी आ जाता फर्टिलाइजर भी आ जाता बीज भी आ जाते हैं और डायवर्सीफिकेशन भी आ जाता तो डेफिनेटली टाइम हजे महीना ही होया आने वाले टाइम च चंगे जिहड़े सुखद परिणाम मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अज की इस प्रेस मिलनी च मैं थोड़ा सारिया का पार्टी के हैडक्वार्टर से स्वागत करदा पटियाले वापरी एक मंदभागी घटना जिन्हां लैके अज तुहाडे नाल रूबरू होए हैं
पटियाले दी मंदभागी घटना का मास्टरमाइंड जिन्हें हिंसा भड़काई ते हिंसा भड़काउण लई लोकां नूं प्रवोक कीता प्रो खालिस्तान नारे लाउण नूं लोकां नूं प्रवोक कीता पटियाले दे पूरे मंदभागी इंसीडेंट का मास्टरमाइंड तमाम राजनीतिक पार्टियां दियां साजिशां दे बावजूद पंजाब पुलिस ने मानयोग मुख्यमंत्री जी के निर्देशां अनुसार विद इन 48 घंटियां दे अंदर अंदर जिथे इस पूरी मंदभागी घटना का मास्टरमाइंड अरेस्ट कर लिया उदे नाल नाल 6 FIRs भी दर्ज हुई हैं तकरीबन 9 दे करीब जड़ियां गिरफ्तारियां हुण तक हो चुकी हैं इस पूरी मंदभागी घटना का मास्टरमाइंड बरजिंदर परवाना भी अज मोहाली तो पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है जेड़े भी लोग पंजाब दे भाईचारे नू देश की इंटीग्रिटी नू पंजाब दे माहौल खराब करन दी साजिश करनगे वो बच नहीं सकते और इसे दा सबूत दिंदे हुए अज मान साहब की सरकार दे निर्देशां ते विद इन 48 आवर्स 48 घंटियां दे अंदर अंदर जिहड़े आए इस मेन मुलजम जिहड़े आ ओह अरेस्ट कर ले गए और पूरी स्थिति ते काबू पा लिया गया लेकिन जिहड़ी मैं अहम गल करना चाहुंदा इस तों अगे पंजाब नूं अज खालिस्तान नहीं पंजाब नूं अज पंजाब बनाउण दी लोड़ है पंजाब नूं अज खालिस्तान नहीं पंजाब नूं अज किसानी और जवानी बचाउण दी लोड़ है पंजाब नूं अज खालिस्तान नहीं पंजाब नूं मां बोली पंजाबी जिहड़ी आ ओह बचाउण दी लोड़ है और इस सारे पंजाब हितैषी एजेंडे ते चाहे पंजाब दे पानियां नूं बचाउण दी गल है पंजाब दी खेती बचाउण दी गल है मान साहब दी सरकार लगातार जिहड़ी आ दिन रात मेहनत कर रही है जेड़े लोकां दियां राजनीतिक दुकानदारियां बंद हो गईयां जेड़े लोकां दियां इलीगल माइनिंग खड्डां जिहड़ियां रेत दियां बंद हो गईयां जेड़े लोकां ने पंजाब दियां सरकारी जमीनां दबियां सी जमीनां वापस लैण दी कार्रवाई पंजाब सरकार ने शुरू करती है और जेड़े लोकां दियां सिक्योरिटियां वापस लईयां वो सारिया ताकत एंटी पंजाब फोर्स सारिया एंटी पंजाब ताकत हुण पंजाब दे अमन कानून पंजाब दी भाईचारक सांझ पंजाब दे दुनिया च मशहूर जिहड़ा हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई का भाईचारे का एक गुरु नानक साहब का संदेश है ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਬਚੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਅਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟੂਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
जिथे अज साडे पटियाला दे आई जी साहब उन्होंने भी सारी गल तुहाडे सामने रखी है। आम आदमी पार्टी जिथे मान साहब की सरकार की जिहड़ी कार्रवाई हुई है एंटी नैशनल एंटी सोशल एलीमेंट्स के खिलाफ उन्हों का धन्यवाद करती है और अगे तो भी किसी भी आदमी नू किसी भी शख्स नू किसी भी राजनीतिक धड़े नू पंजाब दे भाईचारा पंजाब दी शांति नू भंग करन दी जिहड़ी साजिश रचणगे बख्शे नहीं जाणगे। तो इस तों अलावा तुहाडा कोई सवाल होवे तो तुसीं कर सकदे हो। जिस तरीके तुसीं गल कही है कि जिहड़े हले भी एंटी सोशल एलीमेंट एंटी पंजाब एलीमेंट ने बाहर बैठे ने, एक सोशल मीडिया से इस तरीके का एग्जाम्पल है, वीडियो बहुत सामने आ रही है, मलेरकोटला डीसी दफ्तर के बाहर शख्स का नाम भी लिता जाता है, वो ऑर्डर कर रहे हैं उस तरीके नाल, तो जिहड़े बाहर विदेशों में बैठे काम चला रहे हैं, कठपुतली बंद कर लोगों को बचा रहे हैं कि वो जी अमन शांति खराब कर, किसी भी धर्म के हो कुछ भी हो पर उन्होंने भी कोई एक्शन लिता जाऊगा। देखो जदों देश की सुरक्षा की गल है, देश की इंटीग्रिटी की गल है, मैं माणयोग मोदी साहब की सरकार को बेनती करूंगा जिहड़ी भाजपा हमेशा लोगों नूं जात पात धर्म के नां ते लड़ाउंदी आ, उन्हां नूं बजाए देश के लोगों नूं आपस च लड़ाउण दे जिहड़े देश तों बाहर देश के खिलाफ साजिशां रचदे आ, चाहे गुरपतवंत पन्नू होण, इन्हां ते सख्ती नाल भारत सरकार निपटे और पंजाब च भी मान साहब की सरकार किसे तरह की, और यह सारा आम संजीदा पंजाबी जानता है सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान की पंजाब च किसे तरह की कोई होंद नहीं है। लगता भी जरा क्या छह महीने तक पूरा। देखो जेलां चो पिछले टाइम च बहुत वड्डा नेक्सस चलिया है और ऑपरेट वो सारा जेलां दे अंदरों होया ऑर्गेनाइज क्राइम, उन्नू लैके भी अज पंजाब सरकार ने और साडे जेहड़े मंत्री हरजोत सिंह बैंस उन्हां दी स्टेटमेंट आ गई है जिथे 350 दे करीब मोबाइल फोन जब्त कीते आ जेलां चो, उहदे नाल नाल कई सिम कार्ड जब्त किए, तकरीबन 86 जिहड़ियां FIR दर्ज कीतियां। सो यह जेलां चों चलण वाला ऑर्गेनाइज क्राइम इहते भी लगाम लगूगी, किसे तरह का भी कोई क्राइम या गैंगस्टर वार गैंगवार पंजाब की सरकार पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो पंजाब का हाईकोर्ट तो चंडीगढ़ च हैगा, हरियाणा सरकार नूं बेनती करा कि वह अपना हाईकोर्ट अलग बना लैण। देखो ताई मैं गल कही सी कि पंजाब नूं खालिस्तान दी नहीं पंजाब नूं किसानी बचाउण दी लोड़, और मान साहब ने कल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया आ जिथे जिहड़े सिद्धी बिजाई करनगे, एक ते पानी की बचत होगी, पानी बचाउण दी भी लोड़ है, बहुत वड्डा खतरा साडे ते आउण वाले टाइम, पानी की बचत होगी उत्थे नाल नाल पूरी लागत जिहड़ी झोने की, मैं तो खुद खेती करदा हां, पूरी लागत ते फर्क पैंदा है, सस्ता पैंदा है, झाड़ भी अच्छा निकलदा है और उहदे रिजल्ट आए। सरकार ने कोशिश कीती आ भी 1500 रुपए जिहड़ा एकड़ पर एकड़ जिहड़ा देण दा वादा कीता ताकि वध तों वध लोक इस चीज नाल इनकरेज होण, दूजा पानी भी बचे खाद बीज भी बचे, तीसरा सब तो जरूरी गल है भी आने वाले टाइम च असीं खेती नूं लाहेबंद कितना बनाउणा। हां इहदे च होर जिहड़े सुधार करन दी लोड़ होगी मान साहब दी सरकार करो। सार कह रहे ने, मैं पिंड पिंड जांदा, ओह कह रहे ने कि नेक्सस चलदा, जिहड़ी सोसाइटियां बणी होईयां ने जिहड़े भी सरकार मुआवजे भेज दो बड़े लोग लै जांदे, पहली गल, दूसरी गल जिहड़े पेस्टिसाइड आ रहे ने ओह प्रॉपर काम नहीं कर रहे, ताजा उदाहरण गुली डंडा मिले इस बात ओवरहॉल कर ली। मान साहब की सरकार ने एक एक्सपर्टिस की टीम भी बना ली है,
आने वाले टाइम च एक पॉलिसी जी एग्रीकल्चर प्रो एग्रीकल्चर बन जा रही है ताकि एक तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नूं बचा के पंजाब दी एग्रीकल्चर नूं बचाना है उहदे च पेस्टिसाइड भी आ जांदा फर्टिलाइजर भी आ जांदा बीज भी आ जांदे आ और डायवर्सिफिकेशन भी आ जांदा तो डेफिनेटली टाइम हजे महीना ही होया आने वाले टाइम च चंगे जिहड़े सुख